A very good morning to all the participants of this webinar. And on behalf of DTRTI Lucknow, today we are doing income from under the head capital gains. We are starting with income under the head capital gains. And yesterday we had done section 45. And today we'll be beginning with section 46. So section 45 mein ye likha hai ki koi bhi aise profit and gain jo arise karte ho किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से, कैपिटल एसेट जिसकी परिभाषा सेक्शन दो में है, किसी भी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से यदि कोई प्रॉफिट या गेन अराइज करता है, यदि वो कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र इफेक्ट किया गया प्रीवियस ईयर में, तो वो जो प्रॉफिट एंड गेन होगा वो चार्जेबल होगा इनकम टैक्स के लिए कैपिटल गेन के हेड में, और वो उस साल की इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में वो ट्रांसफर होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो कैपिटल एसेट का जो वैल्यू का बढ़ना है उसको एक्रूड बेसिस पे टैक्स नहीं किया जाता, और जब कैपिटल एसेट बिकता है, जब सेल होती है, जब ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर पर उसको टैक्स किया जाता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रिसीट बेसिस पे टैक्स किया जाता है, ट्रांसफर पे टैक्स किया जाता है, हो सकता है पेमेंट बाद में भी मिले। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि ये ट्रांसफर पर टैक्स किया जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट है इससे रिलेटेड। अब हम चलते हैं सेक्शन 46 पर। सेक्शन 46 में कहा जा रहा है कि कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो कि हो सकता है कि 45 में भी इंक्लूड की जा सकती थी, लेकिन इसको उसके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया। और ये कहा गया कि जहां पर भी किसी कंपनी के जो एसेट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि यहां पर भी नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग वाला क्लॉज है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45, और सेक्शन 45 में जो जहां सब सेक्शन 2, 3, 4 आ रहे थे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि लिखा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सो एन एक्सेप्शन इज बीइंग क्राफ्टेड हियर आल्सो, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई कंपनी के एसेट्स शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वेयर द एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर्स, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है, ऑन इट्स लिक्विडेशन सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 45। सेक्शन 45 के पर्पसेस से इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद 46(2) में कहा गया है कि वेयर अ शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी रिसीव्स एनी मनी और अदर एसेट्स फ्रॉम द कंपनी, जहां पर कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी का, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो शेयर होल्डर को जहां प्राप्त होता है, शेयर होल्डर रिसीव करता है कोई भी मनी या कोई दूसरे एसेट्स उस कंपनी से, तो शेयर होल्डर को टैक्स किया जाएगा। ही शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी सो रिसीव्ड और द मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स, या अगर कोई दूसरे एसेट्स उसको दिए गए हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट में, या अगर मनी दिया गया है तो मनी के रिस्पेक्ट में कैपिटल गेन हेड में उस शेयर होल्डर को टैक्स किया जाएगा, और मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन ये जिस डेट को ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एसेट, उस डेट में उसकी मार्केट वैल्यू ली जाएगी और उस मार्केट वैल्यू पे उसको टैक्स किया जाएगा as reduced by the amount assessed as dividend within the meaning of subsection C of clause 22 of section 22। और उसमें से वो राशि कम कर दी जाएगी जिसको डिविडेंड माना जा रहा है, क्योंकि जो राशि डिविडेंड मानी जा रही है उसको कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स नहीं करते हैं। तो इसलिए 222 सी में एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो राशि डिविडेंड मान ली जाती है, उस राशि को घटाया जाएगा उस राशि से जो कि, या उन एसेट से जो कि कंपनी से प्राप्त हो रहे हैं किसी भी शेयर होल्डर को,
जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेशन ही कंपनी को खत्म किया जा रहा है और कंपनी टूट रही है, उसको खत्म कर रहे हैं और उसके एसेट्स से जो भी देनदारी है वो वापस कर दी जाती है। खासतौर पे तब होता है जब कंपनी मान ली दिवालिया हो गई है और उस वक्त कंपनी को फिर लिक्विडेट कर दिया जाता है। एंड द सम सो अराइव्ड एट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48। और ये जो डिविडेंड की मात्रा जब घटा दी जाएगी तो जो राशि बचेगी वो मान ली जाएगी कि वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जो कोई चीज़ बेच के जो वैल्यू प्राप्त होती है, जिसको सेक्शन 48 में भी डिफाइन किया गया है, तो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। तो पहली बात तो ये कही जा रही है यहाँ पे कि जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर को, जब भी कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर को लिक्विडेशन पे कोई भी एसेट्स, तो कंपनी द्वारा वो एसेट्स का अपने शेयर होल्डर को दिया जाना ट्रांसफर नहीं माना जाता, यानी कंपनी को कैपिटल गेन्स के तहत यहाँ पे टैक्स नहीं किया जाता है। और 46(2) में ये कहा जा रहा है कि शेयर होल्डर जो रिसीव कर रहा है उस मनी को या एसेट्स को, उसको कैपिटल गेन के तहत टैक्स किया जाएगा उस मनी के रिस्पेक्ट में, या उस मार्केट उस एसेट के मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्ट में। और उसके लिए जो भी राशि डिविडेंड मानी जा रही है वो घटा के जो राशि बचती है उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, जो कि सेक्शन 48 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का प्रावधान किया गया है। क्योंकि जब भी हम कोई कैपिटल गेन बेचते हैं, कैपिटल कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो हमको कंसिडरेशन मिलता है और उसके अगेंस्ट हम एक्सपेंसेस को घटाते हैं। तो ये किस तरह से कंपटीशन होता है ये सेक्शन 48 में दिया गया है, और सेक्शन 48 में बात की गई है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इसके साथ हम चलते हैं सेक्शन 47 पर, रादर 46A पर चलते हैं। यहां पर 46A में ये कहा जा रहा है कि कैपिटल गेन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, जब भी कोई कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है या दूसरे कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज खरीदती है, तब कैपिटल गेन किस तरह से होता है। वेयर अ शेयर होल्डर और ए होल्डर ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज रिसीव्स एनी कंसिडरेशन, जब भी कोई शेयर होल्डर कोई कंसिडरेशन रिसीव करता है या कंपनी का शेयर होल्डर या हो ना हो, तो जो होल्डर है दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, वो कोई कंसिडरेशन रिसीव करता है किसी भी कंपनी से फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अपने खुद के शेयर्स को जब कंपनी परचेज करती है और तब वो शेयर होल्डर को जो पेमेंट करती है, या जब शेयर होल्डर या फिर कोई अगर दूसरा होल्डर है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, तो उस केस में और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय सच शेयर होल्डर और होल्डर ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी कहना यहाँ ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी कोई शेयर होल्डर या होल्डर है दूसरे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, यानी दो लोगों की बात की जा रही है, या तो वो शेयर होल्डर है या फिर वो दूसरे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का होल्डर है, और इन दोनों में टाइप के व्यक्तियों में से कोई भी अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव करता है किसी कंपनी से फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या दूसरे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को परचेज के लिए कोई पेमेंट रिसीव करता है जो वो शेयर होल्डर होल्ड कर रहा था, या शेयर होल्डर जो कि शेयर होल्ड कर रहा था, या फिर जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का जो होल्डर है वो उन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को होल्ड कर रहा था और कंपनी उन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को खरीद ले रही है या अपने शेयर्स को खरीद ले रही है और उसके एवज में पेमेंट कर रही है यानी कंसिडरेशन दे रही है, देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48, जो भी डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन एंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर और द होल्डर ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज अ केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन्स अराइजिंग टू सच शेयर होल्डर और द होल्डर ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज अ केस में बी,
इन द ईयर इन विच सच शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर परचेज बाय द कंपनी। तो जो फर्क है, डिफरेंस, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, यानी अख्तियार करने की जो कॉस्ट थी उन शेयर्स की, और जो कंसिडरेशन मिला उसकी जो वैल्यू है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, या जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का जो कंसिडरेशन मिला है उनको बेच के कंपनी को, जो कंसिडरेशन मिला है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मान लिया जाएगा कैपिटल गेन जो अराइज हो गया है शेयर होल्डर को या उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के होल्डर को उस साल में जिस साल में वो कंपनी उन शेयर्स को या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को खरीदती है। यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा लेना है कि जिस साल में वो कंपनी उन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को या फिर उन शेयर्स अपने खुद के शेयर्स को खरीदती है उस साल में ये टैक्स किया जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में या फिर वो अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के होल्डर के हाथ में जो कंपनी को उनको बेच रहा है। और जहाँ तक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की बात आ रही है तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मीनिंग जो है यहाँ पे सेक्शन 77A है कंपनीज एक्ट का, उसके एक्सप्लेनेशन से लिया गया है। यानी जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वहाँ पे डिफाइंड है वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या अपने शेयर्स कंपनी वापस खरीद लेती है तो उसका जो भी पेमेंट करती है कंपनी उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और कैपिटल गेन टैक्स किस राशि पे लगेगा, सेक्शन 48 के पर्पस से बताया गया है कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड है उसके बीच में जो डिफरेंस है उस पे लगेगा, और उसी उसको मान लिया जाएगा। जब हम कहते हैं मान लिया जाएगा तो वो इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ पे अक्रूड बेसिस पे नहीं कर रहे, अराइजिंग बेसिस पे इसको टैक्स कर रहे हैं। 46A के बाद आते हैं 47 पर। अब हमने कहा था कि कैपिटल एसेट के जो ट्रांसफर्स हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, यानी एक्सेप्शन में आते हैं कि वो कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो होते तो कैपिटल एसेट के ट्रांजेक्शन्स हैं लेकिन वो ट्रांसफर नहीं मानते हम कैपिटल गेन के हेड के हिसाब से, तो इसलिए ये कहा जा रहा है सेक्शन 47 में कि नथिंग कंटेन इन सेक्शन 45 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग ट्रांसफर्स। निम्नलिखित ट्रांसफर्स पर कोई भी चीज़, कोई भी बात जो सेक्शन 45 में कही गई है वो अप्लाई नहीं करेगी। नंबर एक है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का जब या तो टोटल पार्टीशन हो रहा है या पार्शियल पार्टीशन हो रहा है, और एचयूएफ के पार्टीशन पे जो भी कैपिटल एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो अगर एचयूएफ कोई कैपिटल एसेट खरीद लेती है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने पार्टनर्स को कर देती है तो एचयूएफ को उसके ऊपर अपने मेंबर्स को कर देती है, तो उसके ऊपर एचयूएफ को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटल या पार्शल पार्टीशन के तहत किया गया है। उसके बाद है 47(3). 47(3) में कहा जा रहा है कि एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट और विल और एन इरेवोकेबल ट्रस्ट, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर अंडर अ गिफ्ट और एन इरेवोकेबल ट्रस्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स, डिबेंचर्स और अलॉटेड बाय कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्कीम ऑफ द कंपनी ऑफर टू सच एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहार। कोई भी कैपिटल एसेट का अगर ट्रांसफर गिफ्ट के तहत किया जाता है या कैपिटल एसेट का ट्रांसफर विल के तहत किया जाता है, वसीयत के तहत किया जाता है, या एक ट्रस्ट के तहत ट्रांसफर किया जाता है जो कि इरेवोकेबल ट्रस्ट है, यानी जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता जिस ट्रस्ट को, ऐसे अगर ट्रस्ट के तहत अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो वो कैपिटल गेन्स के पर्पस से उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जरूर दिया गया है कि जब भी कोई गिफ्ट या इरेवोकेबल ट्रस्ट के तहत कोई कैपिटल एसेट जो शेयर डिबेंचर या वारंट है
वो कंपनी ईसॉप स्कीम के तहत या ईसॉप प्लान के तहत जो अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक का ऑप्शन यानी शेयर्स का जो ऑप्शन कंपनी देती है, अपने एम्प्लॉयज को शेयर बांटती है, तो उस तरह से अगर कंपनी दे रही है अपने स्टॉक अपने एम्प्लॉयज को, और उसको अगर वो गिफ्ट या इरेवोकेबल ट्रस्ट के तहत दे रही है, तो फिर उस केस में ये जो क्लॉज है ये अप्लाई नहीं करेगा। ये क्लॉज अप्लाई नहीं करेगा मतलब ये है कि वहां पर ये टैक्स कर लिए जाएंगे। जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कोई भी गिफ्ट या रिवोकेबल ट्रस्ट पे भी अगर कोई भी कैप जो शेयर डिवेंचर या वारंट दिया जाता है कंपनी के द्वारा, शेयर डिवेंचर या वारंट जो कि कैपिटल एसेट है वो दिया जाता है, लेकिन अगर ईसॉप स्कीम के तहत दिया जा रहा है और वो ईसॉप स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन गाइडलाइंस के अनुसार जो जो भी ईसॉप स्कीम वगैरह होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में गाइडलाइन दी हुई है कि ईसॉप्स इशू किए जा सकते हैं, तो जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत ये ईसॉप्स दिए जाते हैं और वहाँ पे अगर ये गिफ्ट या इरेवोकेबल ट्रस्ट के तहत दिए जाते हैं, अगर मान लीजिए गिफ्ट या इरेवोकेबल ट्रस्ट के तहत दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, उनको ट्रांसफ़र माना जाएगा और इसलिए उनको टैक्स भी किया जाएगा। और आपने देखा भी है कि ये टैक्स किया जाता है। उसके बाद जैसे हमने सैलरी वाले अपने प्रोविजन में देखा था कि सेक्शन 17 में ये सारी चीज़ें टैक्स की जाती हैं, और 47(4) पे आते हैं। और साथ में ये जो इसका जो टैक्सेशन है इसमें कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन होता है वो भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि जब भी कोई कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कंपनी कोई ईसॉप स्कीम में दे रही है, तो कंपनी हैज़ टू पे द कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन दैट, बिकॉज वो जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र माना जाएगा। और जो एम्प्लॉयज़ है जिनको मिलता है जब वो बेचते हैं उसको, तो उनका जो टैक्सेशन है वो सैलरी हेड में होता है। 47(4) एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ऐसा है कि कोई कंपनी है उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है यानी कि वो उसकी 100% ओनरशिप उसके पास है, तो अगर वो कैपिटल एसेट कोई ट्रांसफर करते हैं तो उसको टैक्स नहीं करते हैं, बिकॉज वो एक ही ग्रुप है, एक ही कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी। कई बार सब्सिडियरी कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ही बना ली जाती है। तो अगर कोई कैपिटल एसेट कोई कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करती है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन के पर्पस से। इफ द पेरेंट कंपनी और इट्स नॉमिनीज होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल, शर्त यह है कि जो तो पेरेंट कंपनी या उसके नॉमिनीज हैं वो सब्सिडियरी कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल ओन करते हों, अगर पूरा नहीं ओन करेंगे तो फिर ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जो सब्सिडियरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हैं तो जो ट्रांसफ़र है कोई भी कैपिटल एसेट का कंपनी के द्वारा अपनी सब्सिडियरी कंपनी को, उसको कैपिटल गेन के तहत टैक्स नहीं किया जाएगा। और उसके बाद 5 है, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडियरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी। और उसी तरह से वो जो विपरीत दिशा में ट्रांसफर होता है जहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है कोई कैपिटल एसेट, तो और कंडीशंस वही दोनों हैं वहाँ पे कि होल्डिंग कंपनी इंडियन, मतलब इस केस में होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और जो शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी का वो पूरा का पूरा होल्डिंग कंपनी के पास होना चाहिए, और उसके जो नॉमिनीज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी केवल कहा गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन क्लॉज 4 और 5 शैल अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मेड आफ्टर द 28 एज प्रॉब्लम ट्रेड। अगर जो है ये कैपिटल एसेट 29 फरवरी 1988 के बाद ट्रांसफर किया जा रहा है, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में अगर ये ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में जो ये जो एक्सेप्शन है
ये लागू नहीं होगा, यानी कोई भी बात जो 4 या 5 में की जा रही है वो लागू नहीं होगी। क्योंकि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर उस तरह का टैक्सेशन लगेगा जो स्टॉक इन ट्रेड के केस में लगता है, और उसके लिए इस 4 या 5 प्रावधानों की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि 4 या 5 प्रावधान तो कैपिटल एसेट के लिए हैं जो होल्डिंग कंपनी से सब्सिडियरी कंपनी के बीच में ट्रांसफर होते हैं, तो इसलिए इस तरह का जो भी एक्सेप्शन है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में ट्रांसफर हो रहा है। बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड के रूप में जो भी चीज़ ट्रांसफर होती है वो उसके परचेज या सेल में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड उस पर टैक्स अपने आप ही पेबल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 47(6) पर। एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी। स्कीम ऑफ अमेलगमेशन में जब कोई कैपिटल एसेट अमेलगमेटिंग कंपनी अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है, अगर वो अमेलगमेटेड कंपनी यानी जो बाद में जो कंपनी बनती है वो एक इंडियन कंपनी है, तो ये जो अमेलगमेशन में जो ट्रांसफर होता है उसको भी टैक्स नहीं किया जाता। जस्ट टू एनकरेज दैट जहाँ पर भी अमेलगमेशन की ज़रूरत है, कई बार कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अमेलगमेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर अमेलगमेशन होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए अमेलगमेशन को वहाँ पर एनकरेज भी करना चाहिए। तो अमेलगमेशन में जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है उसको ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है, बशर्ते कि जो अमेलगमेटेड कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब 6A है, कोई भी ट्रांसफर जो अमेलगमेशन की स्कीम के तहत होता है किसी कैपिटल एसेट का, एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बाय द अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू द अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी। ये एक अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी है, दूसरी अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी। अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी में अमेलगमेट हो रही है, अमेलगमेट हो रहा है मिल जाना, विलय हो जाना। तो कोई भी ट्रांसफर अगर कैपिटल एसेट का होता है जो कि इंडियन कंपनी में शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा है, आप समझ रहे, दोनों फॉरेन कंपनीज है, मान लीजिए कुछ दो फॉरेन कंपनीज है इंडिया से बाहर कहीं बैठी हुई हैं और एक फॉरेन कंपनी है वो दूसरी फॉरेन कंपनी में अमेलगमेट हो रही है। अब अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो अगर वो शेयर्स वो ट्रांसफर करती है अमेलगमेटेड कंपनी को, तो उस केस में ये जो एग्जेम्पशन है ये तभी मिलेगा जब एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर्स ऑफ द अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी। 25% शेयर होल्डर्स जो अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के हैं वो बने रहे, मतलब केवल दिखावे का अमेलगमेशन नहीं होना चाहिए, वाकई में एक तरह का अमेलगमेशन होना चाहिए, वाकई में ये अमेलगमेशन होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है और इस वजह से हो रहा है। जो 25% जो शेयर होल्डर थे अमेलगमेटिंग कंपनी के वो बने रहने चाहिए अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी में भी। और दूसरी कंडीशन ये है, ये जो ट्रांसफर है ये कैपिटल गेन्स पर टैक्स अट्रैक्ट ना करे उस देश में, इन द कंट्री जिसमें अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, यानी अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी अगर दूसरे देश में इनकॉर्पोरेटेड है वहां पर भी इस पे कोई टैक्स अट्रैक्ट ना होता हो, अगर अगर वहां पे टैक्स अट्रैक्ट हो रहा है तो हम भी टैक्स ले लेंगे, कहने का मतलब ये है। तो अगर वहां पर भी टैक्स अट्रैक्ट नहीं हो रहा दूसरे देश में और 25% शेयर होल्डर वही बने रहते हैं, तो ऐसा जो अमेलगमेशन अगर हो भी रहा है फॉरेन कंपनी, एक अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी दूसरी अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी बन रही है, तो उस केस में भी ये एक्सेप्शन लागू हो जाएगा, यानी उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट कंडीशन है कि जिसको मिस यूज ना किया जाए। उसके बाद 47(7A) पर आता है, एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम फॉर अमेलगमेशन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी विद अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सैंक्शन एंड ब्रॉट इनटू फोर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ द कैपिटल एसेट बाय द बैंकिंग कंपनी टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन।
यानी अगर कोई ट्रांसफर एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन के तहत कोई बैंकिंग कंपनी करती है, यानी कंपनी जो कि बैंक है, एक बैंकिंग कंपनी कोई ट्रांसफर करती है जहाँ पे एक बैंकिंग कंपनी का अमेलगमेशन एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, यानी बैंकिंग कंपनी का अमेलगमेशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है और उस संदर्भ में, उस अमेलगमेशन के संदर्भ में जो अमेलगमेशन सैंक्शन किया गया था और फोर्स में लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते हुए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते हुए अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 7 के तहत कोई अमेलगमेशन किया है, तो ऐसे अमेलगमेशन के संदर्भ में यदि कोई बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में विलय हो रही है, तो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अमेलगमेट हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अमेलगमेट हो रही है और वो कोई कैपिटल एसेट अपना ट्रांसफ़र करती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है कि ये जो अमेलगमेशन है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 45(7) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फोर्स में लाती है, किसी विलय को, किसी अमेलगमेशन को, तो उस केस को भी कैपिटल गेन से बाहर रखने के इंटेंशन से इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कोई भी अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र वो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को करती है जहाँ पर वो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अमेलगमेट हो रही है, और इसमें यहाँ पे बैंकिंग कंपनी जहाँ तक वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से ही लिया गया है और सेम अप्लाइज टू द वर्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। अब आते हैं 47(7)(a)(b), 47(6)(a)(b). एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी रेफर टू इन द एक्सप्लेनेशन 5 टू क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 9 व्हिच डिराइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द शेयर और शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी हेल्ड बाय द अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी टू द अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन के तहत एक कैपिटल एसेट है जो कि एक फॉरेन कंपनी का शेयर है, कैपिटल एसेट इन द नेचर ऑफ ए फॉरेन कंपनी शेयर, अमेलगमेशन हो रहा है जिसमें एक अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी अमेलगमेट हो रही है एक अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी में, और जो एसेट है वो भी एक फॉरेन कंपनी का शेयर है, इंडियन कंपनी का शेयर नहीं, इंडियन कंपनी वाला केस हमने ऊपर देखा ही। अगर जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है वो भी एक फॉरेन कंपनी का शेयर है, तो इस केस में उसको भी, उस ट्रांसफर को भी जो अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी अपने शेयर को, फॉरेन कंपनी के शेयर को अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो वो ट्रांसफर केवल तब नहीं माना जाएगा जब कम से कम 25% जो शेयर होल्डर्स हैं अमेलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के वो बने रहते हैं अमेलगमेटेड फॉरेन कंपनी में भी, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो जो ट्रांसफ़र है वो उस देश में कैपिटल गेंस का टैक्स अट्रैक्ट ना करता हो जिस देश में वो अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। तो दिस प्रोविजन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोविजन वेयर यहाँ पे इंडियन कंपनी के शेयर की बात की गई थी। अब 47(7)(6)(b) एनी ट्रांसफर इन अ डी मर्जर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द डी मर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। डी मर्जर को प्रमोट करने के लिए जो जायज डी मर्जर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए जहाँ पर भी एक डी मर्जर हो रहा है और डी मर्जर के तहत जो है कैपिटल एसेट डी मर्ज कंपनी के द्वारा रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है। कैपिटल एसेट कोई भी डी मर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो ऐसे केस में अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो ये जो ट्रांसफ़र है ये भी कैपिटल गेंस के पर्पस से ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। 47(7)(c)(6)(c) एनी ट्रांसफर इन अ डी मर्जर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और शेयर होल्डर इन इंडियन कंपनी। डी मर्जर में जैसे अमेलगमेशन में था उसी तरह से डी मर्जर के केस में भी
जहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट, वो एक इंडियन कंपनी का शेयर है, और उस इंडियन कंपनी के शेयर को डीमर्ज फॉरेन कंपनी ट्रांसफर कर रही है रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को, तो वो ट्रांसफर तब नहीं माना जाएगा जब 3/4 जो शेयर होल्डर्स हैं डीमर्ज फॉरेन कंपनी वाले, वो बने रहते हैं रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में भी। तो जैसे आपने देखा था कि अमेलगमेशन के केस में ये 1/4 था, लेकिन डीमर्जर के केस में 3/4 जो शेयर्स हैं डीमर्ज कंपनी में, जिनके पास वो शेयर्स हैं, जिन शेयर होल्डर्स के पास वो 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं डीमर्ज फॉरेन कंपनी में, वो ही शेयर होल्डर बने रहते हैं रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में भी। यानी एक जेन्युइन डीमर्जर होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। और दूसरा ये कि वो जो ट्रांसफर है वो उस देश में कैपिटल गेन्स टैक्स अट्रैक्ट ना करे जिसमें वो जो डीमर्ज फॉरेन कंपनी है वो इंकॉर्पोरेटेड है। डीमर्ज फॉरेन कंपनी वो फॉरेन कंपनी है जो डीमर्जर से पहले थी, और रिजल्टिंग कंपनी वो होती है जो डीमर्जर के बाद होती है। सो बशर्ते कि सेक्शन 391 से लेके सेक्शन 394 तक के जो प्रावधान है कंपनीज एक्ट के, वो अप्लाई नहीं करेंगे इन केस ऑफ डी मर्जर्स रेफर्ड टू इन दिस क्लॉज। तो कंपनीज एक्ट के ये जो प्रावधान है सेक्शन 391 टू 394, इनको बार किया गया है कि दे शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डी मर्जर्स रेफर्ड टू इन दिस क्लॉज। जिस तरह के डी मर्जर्स की, मतलब फॉरेन कंपनीज के डी मर्जर्स की बात हो रही है, तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ सेक्शन 391 से 394 को लगेगा ही नहीं। 47(6)(CA) यहाँ पे बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ना अमैलगमेशन है, ना मर्जर है, ना डी मर्जर है, बल्कि अगर कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइज होता है और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई कैपिटल एसेट जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर कर देता है। यानी कोई ऐसा बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक अपना बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, तो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जो कैपिटल एसेट प्रिडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक के पास था, यानी जो पहले वाले कोऑपरेटिव बैंक के पास था, वो सक्सेसर यानी जो बाद में आता है कोऑपरेटिव बैंक बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, अगर उसको कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है, तो वो जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है उसको भी टैक्स नहीं किया जाता, बिकॉज दिस काइंड ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज वेलकम एंड इज सपोर्टेड इफ इट इज डन फॉर अ जेन्युइन रीजन। नाउ वी कम टू 47(6)(CB) एंड 47(6)(CB) सेज दैट एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर जो शेयर होल्डर है वो ट्रांसफर कर रहा है अपने कैपिटल एसेट को, जो एक शेयर है या शेयर्स हैं विच आर हेल्ड बाय हिम इन द प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक। शेयर होल्डर के पास प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक में शेयर थे और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। इफ द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट टू हिम ऑफ एनी शेयर और शेयर्स इन सक्सेसर बैंक, और उसको शेयर्स मिल रहे हैं सक्सेसर बैंक में, तो उसके जो शेयर्स हैं जो वो ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अलॉट हो रहे हैं सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स, तो इसलिए ऐसा जो भी ट्रांसफर है शेयर्स का, जो प्रेडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स को शेयर होल्डर ट्रांसफर करता है एज पार्ट ऑफ ए बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम टू द, और ऐसा जो जो भी वो ट्रांसफर करता है वो इसके इवज में होता है जो कि उसको शेयर्स सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से अलॉट हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसफर को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नाउ वी कम टू 47(6)(CC). यहाँ पर डी मर्जर हो रहा है, और डी मर्जर किसका हो रहा है, एक डी मर्ज फॉरेन कंपनी का डी मर्जर हो रहा है एक रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी है दोनों, डीमर्ज हो रही है और रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी बन रही है। और ऐसे केस को भी जब ऐसे केस में भी जब जो तो भी कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर होता है, तो प्रोवाइडेड वो जो शेयर है वो किसी भी इंडियन कंपनी का अगर शेयर है, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। कंडीशन वही है जैसे कि इसके पहले थी कि जो शेयर होल्डर्स हैं 3/4 वाले शेयर होल्डर्स डीमर्ज फॉरेन कंपनी के, वो बने रहें रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में भी, और ये जो ट्रांसफर है ये कैपिटल गेन्स टैक्स ना करे उस देश में जिसमें वो डीमर्ज फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। और ऑब्वियस बात है कि 391 से 394 वाले प्रावधान तो यहाँ लगेंगे ही नहीं, क्योंकि फॉरेन कंपनीज का
मर्जर हो रहा है दूसरे फॉरेन कंपनी में। नवी कंपनी 47 7D 6D बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस वी हैव अनदर सेशन सो विल बी स्टॉपिंग दिस सेशन हियर एंड वी इनवाइट यू फॉर द नेक्स्ट सेशन इन द आफ्टरनून।